नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सावन के महीने में कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए, सावन के महीने में कौन सी सब्जियों को खाना वर्जित माना जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कौन सी सब्जी सावन के महीने में नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियाँ नहीं खानी चाहिए, जैसे पालक, मेथी, बथुआ, गोभी, पत्ता गोभी इत्यादि सब्जियों को नहीं खाना चाहिए और तेल मसाले वाला भोजन भी नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में तेल मसाले वाला ज्यादा चटपटा भोजन नहीं करना चाहिए और सावन के महीने में भूल कर भी मांसाहार का प्रयोग न करें। और सावन के महीने में अदरक, लहसुन, प्याज, मूली खाना भी वर्जित माना जाता है। हो सके तो सावन के महीने में न खाएं और इसे व्रत के दिन तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और सावन के महीने में कढ़ी और बैंगन को भी खाना वर्जित माना जाता है। सावन के महीने में कढ़ी और बैंगन भी नहीं खाने चाहिए। तो आप सावन के महीने में मुख्य रूप से क्या खा सकते हैं? सावन के महीने में आपको जूस, नींबू पानी, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, नारियल पानी का यूज कर सकते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट्स खाना बेस्ट रहता है। वैसे तो सावन के महीने में दही और कढ़ी भी नहीं खानी चाहिए। सावन के महीने में दूध का सेवन भी वर्जित माना जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।